हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम श्याम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 4 से 5 लौंग, और अब हम इसमें डालेंगे इलायची। हमने 4 इलायची डाली है और अब इसमें जाने देंगे लहसुन, हरी मिर्च, और अब हमने यहाँ सब्जियों का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कैरेट, 2 कैरेट ली मैंने यहाँ पे, कैप्सिकम और 3 से 4 प्याज, और अब हम इसमें ग्रीन पीस की जगह मूंगफली और मैंने चने की दाल को पहले ही भिगो के रख लिया था, इसको इसमें डालेंगे। हम अपने सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और अब हम अपने राइस लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बाउल राइस लिए हैं। राइस बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, ये देखिए, और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बासमती राइस का यूज़ किया है। अब हम चेक करेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें अपने राइस को डाल देंगे। अब जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप 1 बाउल राइस लेते हैं तो उसमें 2 से कम पानी डालें, मतलब 2 बाउल कम्प्लीट पानी ना डालें, थोड़ा सा कम। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बाउल राइस लिए हैं तो मैं यहाँ पे 5 बाउल पानी का यूज़ करूँगी। अब हम अपना यहाँ पे पानी डाल देंगे। हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने, उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लेमन को स्क्वीज कर लिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको आइडिया नहीं आता कि राइस में नमक कम या ज़्यादा कैसे हो जाता है, तो आप इसका थोड़ा सा पानी एक बाउल में लें, उसे टेस्ट करके देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा। चलो अब हम इसे बंद कर देते हैं। इसमें हम 1 सीटी आने से पहले ही इसको बंद कर देंगे, तभी तो हमारे कढ़ाई जैसे राइस बनेंगे। तो इसमें पूरी 1 सीटी भी नहीं आने देंगे। अब ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आने लगी है, हल्का सा लगने लगा कि सीटी आने वाली है, और अब सीटी बिल्कुल आने वाली है। हम गैस को बंद कर देंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है, अब सीटी बिल्कुल आने वाली थी। इससे हमारे राइस बिल्कुल कढ़ाई जैसे बनेंगे। आप अगर थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं आपके, आप खोल के देख लें और उसे आप खुले ही बनाएं फिर बाद में। अब हम थोड़ी देर में इनको सेट होने देते हैं, फिर ओपन करके देखते हैं। हम अपने राइस को चेक करेंगे। वाह, कितने अच्छे बने हैं ना। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। हमारे पुलाव बनकर तैयार हैं, ये देखिए बने हैं ना अच्छे। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री श्याम बोल देना, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।